कहानी की शुरुआत में हम एक मॉर्टिसिया नाम की लेडी को देखते हैं जो कि किसी खास फंक्शन के लिए तैयार हो रही थी, लेकिन उसके तैयार होने का तरीका काफी अजीब था। दरअसल आज उसकी शादी एडम्स फैमिली में होने वाली है। अब वो पूरी तरह से तैयार होकर हाथों में फ्लावर्स लेकर एक जगह जा रही होती है जहाँ पर आज उसकी शादी होने वाली है, लेकिन उसे जाते हुए देख कर टाउन के लोग अपने अपने घरों की खिड़कियाँ बंद कर रहे थे, मानो जैसे वो सब मॉर्टिसिया को जरा भी पसंद नहीं करते। अब वो अपने शादी वाली जगह पर पहुँचती है जहाँ पर मिस्टर एंड मिसेस एडम के बेटे गोमेज से आज उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन कुछ देर के बाद वहाँ पर टाउन के लोग हाथों में मसाल लेकर आते हैं, क्योंकि वो सब नहीं चाहते थे कि गोमेज से मॉर्टिसिया की शादी हो, क्योंकि एडम्स फैमिली और मॉर्टिसिया मॉन्स्टर्स हैं। लेकिन अब मॉर्टिसिया की शादी एडम्स फैमिली में हो गई थी, इसीलिए वो सारे टाउन वाले उन्हें उस टाउन से निकालने के लिए उन पर हमला कर देते हैं। ये सब देख कर गोमेज एक आदमी की मदद से मॉर्टिसिया को अपने साथ लेकर वहाँ से बाहर आता है, जिसके बाद वो दोनों अपनी कार में बैठ कर कहीं जा रहे थे। वहीं उस कार को गोमेज का एक पुराना सर्वेंट जो कि एक कटा हुआ हाथ होता है, वहीं उस कार को ड्राइव कर रहा था। वहीं सुनसान रास्ते में जाते हुए इनके कार के सामने एक आदमी आ गया जिसे गोमेज ने अपना सर्वेंट बना लिया। अब वहां से थोड़ा दूर जाने के बाद ये लोग एक बड़े से महल में आ जाते हैं जहां पर काफी सालों से कोई रहता नहीं था, इसीलिए घर में चारों तरफ मकड़ी के जाले पड़े हुए थे। लेकिन मॉर्टिसिया और गोमेज अब इसी बड़े से महल में रहने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा ही एक घर चाहिए था जहाँ पर कोई आता जाता ना हो। अब वो सब मिलकर इस बड़े से घर की साफ सफाई करते हैं और बाहर गेट पे वो अपने एडम्स फैमिली का बोर्ड भी लगा देते हैं, जिस कारण अब उस गेट से ही ये पता चल जाता था कि इस घर में एडम्स फैमिली रहा करती है। अब इसके बाद हमें कुछ साल के आगे का सीन दिखाया जाता है, तो हमें पता चलता है कि एडम्स फैमिली में दो बच्चे हुए हैं जिसमें से पक्सली नाम का एक लड़का और वेडनेसडे नाम की एक लड़की है। पक्सली बहुत शरारती था और उसका बॉम्ब और एक्सप्लोजर में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। वहीं वेंसडे एक शांत लड़की है और वो बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहती है, मगर अनफॉर्चुनेटली उसके पेरेंट्स उसे बाहर जाने की इजाजत नहीं देते। वहीं एडम्स फैमिली के घर में एक मैजिकल पेड़ भी था जो हर दिन बच्चों को सुबह सुबह ही उठाता था। इसके अलावा बच्चे भी उसके साथ खूब खेलते थे। एडम्स फैमिली के घर में ना कोई कभी आता था और ना ही ये कभी घर से बाहर जाते थे, लेकिन एक दिन अचानक से उनके घर के सामने पार्कर नाम की एक लड़की आती है जो अपने साइकिल की घंटी बजा रही थी, जिसकी आवाज जब वेंसडे सुनती है तो वो जल्दी से भागकर घर के बाहर आती है, लेकिन उसे देखकर पार्कर काफी डर जाती और वहां से भाग जाती है, जिस वजह से वेंसडे दुखी होकर घर के अंदर आ जाती है। वहीं गोमेज पक्सली को तलवार चलाना सिखा रहा था, लेकिन पक्सली उन्हें समझाता है कि अब तलवार चलाने का टाइम जा चुका है, अब तो हमें मॉडर्न तरीके से फाइट करनी होगी। वहीं वेंसडे अब बार बार बाहर जाने की जिद करती है, तो उसकी मॉम मॉर्टिसिया उसे समझाते हुए कहती है कि तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम बाहर के खतरों से अभी नहीं लड़ सकती, तो अभी तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम अभी घर के अंदर ही रहा करो। लेकिन ये सुनकर वेंसडे दुखी होकर वहां से चली जाती है। वहीं पक्सली टीवी पर एक शो देख रहा था जिसमें दिखाया जा रहा था कि मार्गो जो एक आर्किटेक्ट है वो एक मॉडर्न टाउन बना रही है। तभी हम मार्गो के पास पार्कर को देखते हैं जो असल में मार्गो की बेटी है। पार्कर मार्गो को बताती है कि आज उसने यहीं पास में ही एक डरावने घर को देखा, लेकिन मार्गो उसकी बातों को इग्नोर करती है। लेकिन जब पार्कर मार्गो को एडम्स फैमिली का घर दिखाती है तो मार्गो ये सोचकर हैरान हो जाती है कि वो यहाँ पर मॉडर्न टाउन बनाने जा रही है और उसके सामने ही एक ऐसा डरावना घर है। लेकिन फिर तभी उसे आइडिया आता है कि वो इस घर में रहने वाली फैमिली को मॉडर्न टाउन में रहने के लिए कन्विंस करेगी। अब जब मॉडर्न टाउन की ओपनिंग सेरेमनी होती है तभी वहां का एक बलून उड़ते उड़ते उनके घर में चला आता है, जिसे वेंसडे अपने साथ लेकर अपने पेरेंट्स को दिखाती है। तो गोमेज बाहर आकर देखता है कि वो बलून कहां से आया, और तभी उन्हें मार्गो का बनाया हुआ मॉडर्न टाउन दिखाई देता है, जिसे देखने के बाद वो डिसाइड करता है कि वो सब वहां पर जाएंगे। इसीलिए एडम्स फैमिली उस मॉडर्न टाउन की ओपनिंग सेरेमनी में जाते हैं, लेकिन उनकी फैमिली को देखकर वहां के लोग डर के मारे भागने लगते हैं। लेकिन मार्गो एडम्स फैमिली का अच्छे से वेलकम करती है और उन्हें बताती है कि वो एक आर्किटेक्ट है, इसीलिए वो उन्हें एक आइडिया देते हुए कहती है कि वो उनके घर की पुरानी थीम को मॉडर्न थीम में बदल सकती है। मार्गो यहाँ पर ऐसा इसीलिए कह रही थी क्योंकि उनके घर की थीम मार्गो की बनाई हुई मॉडर्न टाउन से मैच नहीं कर रही थी, लेकिन मॉर्टिसिया अपने घर की थीम को चेंज नहीं करना चाहती थी। मगर गोमेज मार्गो को अपना घर दिखाने के लिए इन्वाइट करता है और अगले दिन मार्गो एडम्स फैमिली के मेंशन में आती है जहाँ पर उनका पालतू लायन भी था और पक्षली वहाँ की दीवारों पर उल्टा चल रहा था, जिसे देखकर मार्गो समझ जाती है कि वो बहुत गलत जगह पर आ गई है। वहीं मॉर्टिसिया घर के भीतर जाने के लिए स्पाइडर से एक ब्रिज बनाती है जिसे मार्गो और पार्कर बड़ी ही मुश्किल से पार कर पाते हैं। इसके बाद पार्कर वेंसडे से मिलकर ढेर सारी बातें करती है, इससे उन दोनों में अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी।
इधर मार्गो उस मेंशन में पेंट कर रही थी, लेकिन ये मॉर्टिसिया और गोमेज को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, इसीलिए वो अपने सर्वेंट से कहकर मार्गो को अपने घर से बाहर निकलवा देते हैं, जिससे मार्गो को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो डिसाइड करती है कि वो अपने अपमान का बदला एडम्स फैमिली से जरूर लेगी। वहीं वेंसडे पार्कर से स्कूल के बारे में जानकर अपनी मॉम से स्कूल जाने की बात करती है, मगर मॉर्टिसिया उसे बाहर जाने देना नहीं चाहती थी। लेकिन गोमेज मॉर्टिसिया को समझाता है कि वेंसडे को हमें स्कूल जाने देना चाहिए। अब स्कूल के पहले दिन वेंसडे को सारे बच्चे घूर घूर कर देख रहे थे, मगर पार्कर जब उससे मिलती है तो वेंसडे को काफी अच्छा लगता है। वहीं साइंस क्लास में उनके टीचर बच्चों को एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक मरा हुआ फ्रॉग देती है। अब क्योंकि वेंसडे को मैजिक करना आता था, इसीलिए वो उस मरे हुए फ्रॉग को जिंदा करके उन शैतान बच्चों के पीछे लगा देती है, क्योंकि उसे वो शैतान बच्चे बहुत ही परेशान कर रहे थे। लेकिन उस मरे हुए फ्रॉग को जिंदा देखकर टीचर और बाकी के बच्चे स्कूल से भागने लगे थे। ये देखकर पार्कर और उसके दो दोस्त वेंसडे से काफी इंप्रेस होते हैं। इस तरफ मार्गो एडम्स फैमिली से बदला लेने के लिए सोशल मीडिया पे एक पोस्ट करती है कि एडम्स फैमिली एक मॉन्स्टर फैमिली है, वो सब छोटे छोटे बच्चों को खा जाती हैं। इस पोस्ट को देखकर सारे टाउन वाले काफी अलर्ट हो जाते हैं। इधर मेंशन में एडम्स की वाइफ आती है जो कि अब काफी बूढ़ी हो चुकी थी। वहीं वेंसडे जब घर पहुंचती है तो मॉर्टिसिया उसके सर पर इंसानों की एक पिन देखती है, जिस पर वेंसडे बताती है कि उसे ये पिन अच्छी लग रही है। इससे मॉर्टिसिया समझ जाती है कि वेंसडे अब धीरे धीरे बदल रही है, तो उसे समझाने के लिए मॉर्टिसिया उसे चाय पीने के लिए इन्वाइट करती है। अगले दिन वेंसडे पार्कर से अपनी मॉम के बारे में बताती है कि वो कभी भी उसे समझने की कोशिश नहीं करती। इधर मॉर्टिसिया वेंसडे का चाय पीने के लिए वेट कर रही थी, लेकिन जब वेंसडे नहीं आती तो उसकी मॉम एक मैजिकल गोले से अपने पेरेंट्स से बात करती है, जिस पर वो मॉर्टिसिया को बताते हैं कि तुम वेंसडे को समझाने की कोशिश करो, वो अभी छोटी बच्ची है। इधर पक्षली को उसके डैड और अंकल कॉम्पिटिशन के लिए तैयार कर रहे थे, लेकिन पक्षली को तलवार चलाने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए वो वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद गोमेज पक्षली के अंकल को बताता है कि अगर पक्षली ऐसा ही करता रहा और उसने तलवार चलाना नहीं सीखा तो वो ये कंपटीशन हार जाएगा, और बरसों से ये नियम है कि जो भी ये स्वॉर्ड कंपटीशन हारता है तो उसे मार दिया जाता है। अब ये बात पक्षली वहीं पर छुपकर सुन लेता है। अगले दिन जब मॉर्टिसिया वेंसडे को इंसानों के कपड़े पहने हुए देखती है तो वो उस पर काफी गुस्सा करती है, क्योंकि मॉन्स्टर फैमिली में इंसानों की कोई भी चीज अलाउड नहीं थी, इसीलिए मॉर्टिसिया वेंसडे का अब घर के बाहर जाना बंद करा देती है। इस तरफ पार्कर ने भी अपना हुलिया वेंसडे की तरह बना लिया था, क्योंकि इन दोनों को एक दूसरे की लाइफ स्टाइल अच्छी लगती थी। लेकिन मार्गो भी मॉर्टिसिया की तरह ही अपनी बेटी पर काफी गुस्सा करती है और उसका फोन उससे छीन लेती है। वहीं रात में वेंसडे अपने मैंसन को छोड़कर जा रही थी, जिसे जाता हुआ पक्षली देख लेता है, और कुछ देर के बाद जब उसकी मॉम वेंसडे के बारे में पक्षली से पूछती है तो उसे ना चाहते हुए भी सच सच बताना पड़ता है कि वेंसडे अपनी फ्रेंड मार्गो की बेटी के पास जा रही है। तभी मॉर्टिसिया वेंसडे को घर के बाहर जाता हुआ देखती है, मगर इस बार वो वेंसडे को रोकती नहीं। वेंसडे अपनी फ्रेंड के घर जाती है और उसे बताती है कि अब वो उसके साथ ही रहेगी। वहां पर वेंसडे को देखकर पार्कर काफी खुश होती है। फिर वो दोनों मिलकर पार्कर का फोन ढूंढने लगते हैं, और ऐसे ही फोन ढूंढते ढूंढते वो दोनों मार्गो के सीक्रेट कमरे में पहुंच जाते हैं, जहां से मार्गो मॉडर्न टाउन वालों के घरों में नजर रखा करती थी, क्योंकि उसने सभी के घरों में सीक्रेट सीसीटीवी कैमरास लगाए थे। ये सब देखकर पार्कर और वेंसडे काफी हैरान थे, लेकिन तभी वहां पर मार्गो आकर उन दोनों को एक कमरे में बंद कर देती है। वहीं मॉडर्न टाउन में एक इवेंट होने वाला था, जहां पे एडम्स फैमिली के यहां आने वाले गेस्ट घूम रहे थे। जब मार्गो को उसके असिस्टेंट से ये पता चलता है तो वो बिना टाइम वेस्ट किए टाउन वालों को मैसेज करती है कि एडम्स फैमिली और उनके यहां आने वाले गेस्ट हम पर हमला करने वाले हैं, इसीलिए हम सबको एक होकर उन एडम्स फैमिली से लड़ना होगा। ये सुनकर टाउन वाले मार्गो की बातों में आकर उनके घर के आगे जमा हो जाते हैं, तो मार्गो उन सबको एडम्स फैमिली के खिलाफ भड़काते हुए कहती है कि एडम्स फैमिली हम पर हमला करे, उससे पहले ही हमें उन पर हमला करके यहाँ से उन्हें भगा देना चाहिए। सभी टाउन वाले मार्गो की बात मानकर एडम्स फैमिली के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगते हैं। वहीं ये सब वेंसडे और पार्कर देख रहे होते हैं, तो वेंसडे उसे बताती है कि उसकी फैमिली को फंसाया जा रहा है। वहीं पार्कर को भी वेंसडे पर भरोसा था, इसीलिए वो अपने पिन से कमरे का दरवाजा खोलकर वेंसडे की फैमिली की हेल्प करने के लिए जाती है। इस तरफ कॉम्पिटिशन के लिए एडम्स फैमिली में कई गेस्ट आए थे। दरअसल ये कॉम्पिटिशन पक्षली की एबिलिटी चेक करने के लिए रखा गया था, लेकिन इस कॉम्पिटिशन के रूल काफी खतरनाक होते हैं। अगर किसी
भी मॉन्स्टर फैमिली का वारिस इस कॉम्पिटिशन को क्लियर नहीं कर पाया तो उसे वहाँ के एल्डर जान से मार देते हैं। अब कॉम्पिटिशन शुरू हो गया था जहाँ पे पक्सली को तलवार चलाने के साथ साथ अपने स्किल्स को भी प्रेजेंट करना था। उसको पहला टास्क चिल्लाने का दिया जाता है जिसमें वो काफी अच्छा करता है। फिर मैजिक से उसे अपने चेहरे पर दाढ़ी उगानी थी जिसे भी वो बड़ी ही आसानी से क्लियर कर लेता है। और सबसे लास्ट में उसे तलवार चलाकर दिखानी थी लेकिन उसने अच्छे से तलवार चलाना सीखा नहीं था, इसीलिए गोमेज अब उसके लिए काफी परेशान होने लगता है और जिसका डर था बिल्कुल वैसा ही हुआ। आखिर में पक्सली तलवारबाजी में हार चुका था और इसके लिए वो अपने डैड से माफी मांगता है। पर तभी मार्गो टाउन वालों को लेकर मैंसन के अंदर आकर उन सभी पर हमला कर देती है तो गोमेज पक्सली को एक्सप्लोजर देकर उसके रियल स्किल को प्रेजेंट करने को कहता है और उससे कहता है कि अब तुम अपनी फैमिली और यहाँ आए हुए गेस्ट की जान बचाओगे। अब एक्सप्लोजर को पाकर पक्सली टाउन वालों के साथ अकेले ही लड़ने लगता है और उनके ऊपर कई सारे एक्सप्लोजर से हमला कर देता है। वहीं गोमेज अपनी फैमिली और वहां पर आए हुए गेस्ट को पक्सली के पीछे रहने को कहता है और वो सभी बिल्कुल ऐसा ही करते हैं लेकिन पक्सली के एक्सप्लोजर की वजह से वो मैंसन टूटने लगता है और वहीं पे वो टाउन वाले से लड़ते लड़ते एक कमरे में आ गया था जिसके पीछे पीछे उसकी फैमिली और गेस्ट भी आ गए थे। और तभी मैंसन के छत का एक हिस्सा टूटकर इनके ऊपर गिरने वाला था लेकिन तभी वहां पर वेंसडे आकर मैजिकल पेड़ की मदद से छत के हिस्से को टूटकर नीचे गिरने से पहले उसे बाहर निकाल लेती है जिसके बाद वो मैजिकल पेड़ से उन सभी को भी सेफली बाहर निकाल लाती है जिससे अब एडम्स फैमिली काफी खुश हो जाती है क्योंकि वेंसडे अब वापस उनके पास आ चुकी थी। लेकिन अब मार्गो मैंसन के ऊपर मशीन से हमला कर रही थी तो पक्सली अपने एक्सप्लोजर से उसकी मशीन को ब्लास्ट कर देता है। वहीं अब टाउन वाले एडम्स फैमिली को शांत देखकर मार्गो से पूछते हैं कि ये फैमिली तो एक नॉर्मल फैमिली की तरह ही है, हमने इनके ऊपर हमला किया लेकिन बदले में एडम्स फैमिली हमें कुछ भी नहीं कह रही। इस पर मार्गो टाउन वालों से कहती है कि एडम्स फैमिली शांत रहकर हम लोगों को पागल बना रहे हैं और ऐसा कहकर मार्गो टाउन वालों को एक बार फिर से अपनी बातों में लाने की कोशिश करती है। लेकिन तभी वहां पर पार्कर सबके सामने आकर कहती है कि उसकी मॉम झूठ बोल रही है क्योंकि वो एडम्स फैमिली से अपने इंसल्ट का बदला लेना चाहती है और उन्होंने उन सभी के घरों में सीक्रेट कैमराज लगाए हुए हैं जिससे वो उन सभी के ऊपर नजर रखती है। ये सुनकर टाउन वाले मार्गो के ऊपर गुस्सा होने लगते हैं तो मार्गो भी गुस्से में आकर कहती है कि ये टाउन उसने बनाया है इसीलिए वो जो चाहे वो कर सकती है। वहीं ये सब बातें पार्कर सोशल मीडिया के ऊपर लाइव दिखा रही थी जिसे 3 मिलियन प्लस लोग देख रहे थे और मार्गो के ऊपर काफी बुरे बुरे कमेंट्स भी कर रहे थे जिससे अब मार्गो का टीवी शो बंद हो जाता है और अब उसे अपने बनाए हुए घरों की चिंता होने लगती है कि अब उन्हें कौन खरीदेगा। इस पर पक्सली के अंकल मार्गो से बात करते हुए कहते हैं कि अब वो उसकी मदद करेगा और इसके बाद सभी टाउन वाले एडम्स फैमिली और उनके आए हुए गेस्ट से माफी मांगते हैं और साथ ही उनकी वजह से एडम्स फैमिली के टूटे हुए मेंशन को वापस ठीक करने का प्रॉमिस करते हैं। एडम्स फैमिली भी उन सभी टाउन वालों को माफ कर देती है जिसके बाद वो सारे टाउन वाले मिलकर उनके पुराने से मेंशन को मॉडर्न मेंशन में बदल देते हैं। अपने इस नए कलरफुल घर को देखकर एडम्स फैमिली काफी खुश थे। इसके अलावा अब एडम्स फैमिली और टाउन वाले मिलजुल कर रहने लगे थे। वहीं पक्सली के एल्डर भी उसके एक्सप्लोजिव टैलेंट को मान लेते हैं और उसे एडम्स फैमिली की बेस कीमती कैप दी जाती है। और वहीं कहानी के एंड में हम देखते हैं कि उनके मैंसन के ऊपर एक काला बादल आ गया है और उसमें से थंडर स्टॉर्म निकलकर उनके मैंसन को पहले जैसा पुराना कर देता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।